नमस्कार। और आप देख रहे हैं पल पल। बिहार से आए हुए प्रवासी मजदूर आज दिंग से रोहतक के लिए रवाना हुए। ये मजदूर अपने घर जाने के इच्छुक थे। गौरतलब है कि पिछले बुधवार को जिले में प्रवासी मजदूरों ने अपने घर जाने की इच्छा जताई और इसी के साथ स्थानीय प्रशासन से गुहार भी लगाई ताकि इन्हें जल्द से जल्द अपने घर भेजा जा सके। इनको हिसार के लिए ट्रेन द्वारा भेजा जाना था, लेकिन श्रमिकों की संख्या अधिक होने के कारण सीटें नहीं मिल पाई और यही कारण था कि इनको डिंग रोड के धवन पैलेस में ठहराया गया था। पैलेस में ठहरने के बाद उनके खाने पीने और दवाइयों का इंतजाम भी किया गया। करीबन चार दिनों के बाद मजदूरों को शुक्रवार की सुबह 7 बजे 2 बसों के साथ रोहतक रवाना किया गया। रवाना होने से पहले इनको खाना भी खिलाया गया और साथ में आवश्यक वस्तुएँ भी भेजी गई। सारी सुविधाएँ इन्हें मुहैया कराई गई। इनके साथ 2 चालक, 2 परिचालक और 1 SI और 1 ASI तथा 2 होमगार्ड के जवान भी रवाना की गए। इसके अलावा आगामी धान के सीजन के कारण कामगारों की मजदूरी की कमी देखते हुए स्थानीय किसानों ने भी इन श्रमिकों को यहां रुकने के लिए काफ़ी ऑफर दिए, लेकिन इन सब के बावजूद श्रमिकों ने किसानों की एक भी न सुनी तथा अपने घर जाने के लिए जिद पर अड़े रहे। आखिरकार इनको भेज भी दिया गया। पलपट डिंग से विनोद स्वामी की विशेष रिपोर्ट।